स्टूडेंट से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका समझा था। आज इंशाल्लाह आज आप अपनी वीडियो में इस क्लास में एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने का तरीका सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपका पहले ही बताया है प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में कि इंट्रोगेटिव हमारे पास डबल एच फैमिली और फैमिली से अपने हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू और डस हमारे पास वैसे भी सिंपल प्रेजेंट इंटरफेक्ट का है, वही बात है। तो ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इसके अलावा सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 6 अगर हम देखें तो ये डबल फैमिली से रिलेटेड है, ये भी इंट्रोगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं इसका क्या तरीका है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है डू आई थिंक कि क्या मैं ठीक बनाता हूँ। बेक मतलब स्टूडेंट्स जो चीज ओवन में बनाई जाए तैयार हो उसे बेक यूज होता है ना। और देखिए बनाने का क्या तरीका है, सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो आपके नीचे हेल्पिंग वर्ब ही से स्टार्ट लेना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इस एम आर, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हमेशा इस यूज होता है इस के हेल्पिंग वर्ब की जगह है। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएंगे इसके बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड बाय का एग्जांपल एक्सप्रेस था पैसिव बनाने का बताया और आई जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है मी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई है वो इंग्लिश हो गया दी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास बोला साइमन राइड साइकिल। क्या एमन साइकिल चलाता है स्टूडेंट्स? राइड का मतलब साइकिल चलाना। आप कहेंगे सर राइड का मतलब चलाना होता है, तो मैंने आपको बताया था जो स्टूडेंट्स नए रूट पे है मैं उनके लिए मैं बताता चलू कि ऐसी तमाम सवाल है जिसपे हमारी बॉडी अलग हो। कार है, रक्षा है, सुजुकी है, जहाज है, हमारे गाँव डटपी भी नहीं है तो उसे ड्राइव। और अगर हम घोड़ा सवारी कर रहे हैं, ऊंट सवारी कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हमारे पैर जो है वो लेफ्ट और राइट लटक रहे होते हैं, तो वहां पर हम राइट यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे साइकिल है और साइकिल में जो है पैर इधर उधर तो लटक रहे होते हैं, बॉडी अंदर तबकती है, इसलिए यहाँ पे राइट यूज हुआ है। दस की जब आ जाएंगे स्टूडेंट्स इस साइकिल सिंगुलर इसलिए इस आता है, अगर साइकिल होगा तो फिर आर लगा ले इस साइकिल राइट राइट की तरफ हम स्टूडेंट्स राइड है बाइक का इजाफा। और मैंने आप से पहले भी बताया है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट कोई नाउन हो नेम हो तो वो ऐसे ही रहता है रिप्लेस नहीं होगा। इसी तरह डब्लो फैमिली जैसे कभी तो डब्लो फैमिली जो है ना वो वॉइसेस चेंज होते हुए ऐसे ही रहेगी, डब्ल्यू फैमिली चेंज नहीं हो। हाँ आगे हेल्पिंग वर्ब जो है वो रिप्लेस हो क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आ वोएम नहीं, तो वोएम जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इस आ जाएगा वेयर इज आर फॉर्म रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म पाइल की रिटर्न होती है स्टूडेंट्स रिटर्न पाइल। और कोविड जो है क्योंकि वो हर पर्सन सिंगुलर है तो वो एज इट इज आ जाएगा रिप्लेस नहीं होगा। व्हेन डू यू फ्लाई काइट टू पर्सन टू उड़ाते हो तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले भी बताया कि डब्लू फैमिली ऐसी रहेगी तो डब्लू फैमिली ऐसी आ गई इस काइट फ्लाई में तो यूज नो स्टूडेंट्स फ्लाई के तरफ फ्लो होती है फैल गो डब्लू है वेयर इज काइट डाउन बाय। और जब आपके पास सब्जेक्ट यू हो तो यू रिप्लेस नहीं होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है टू दे प्ले फुटबॉल। देखिए हमारा कन्वर्सन है लेकिन क्लूलर है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स डब्लू फिर भी ऐसे ही रहनी लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आपने जिस फैमिली पे कन्वर्ट कर रहा हूँ उस हेल्पिंग वर्ब पहले लेने क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है आपने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में इस यूज करना है इस फुटबॉल।
इज इक्वल टू बॉल प्लेट, बल की जब फॉर्म इज नॉट प्लेट होती है पीटी का इजाफा हो जाता है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, इज इक्वल टू बॉल प्लेट बाय, और जब आपके पास सब्जेक्ट डी हो तो वो जे ही होते वक्त देन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाई डस कैट चेस अ रेड, डब्ल्यू फैमिली से शुरू हुए इसमें किस का ये लफ्ज हूं कि डब्ल्यू फैमिली ऐसे रहेगी बाय आ रेड बाय सिंगुलर है ये बाय इस आ रेड चेस पर की तरह तो आपके स्टूडेंट्स डी का इजाफा हो जाएगा बाय इस आ भी लिखा होता है ये नाम लिखते तो बाय इस आ रेड चेस बाय और क्योंकि कैट जो है वो हमारे पास हर पर्सन सिंगुलर है और नाम नाम है और नाम जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ। उम्मीद है आपको जो प्लेस समझ आया है कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता चले कि कहां मिस्टेक है और आपको जो चीज कहां समझ आ रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ रखे अल्लाह बहुत ख्याल रखे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर लेकर अल्लाह हाफिज़।